हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन का स्टार्ट किया जाए। और आपको मालूम है कि हम लोग वॉइस का जो सीरीज चल रहा है उसमें पिछले सेशन में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा था। हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का पैसिव वर्ब कैसे बनाया जाता है उसको हम लोगों ने कंप्लीटली देख लिया था, उसको खत्म कर दिए थे। ठीक है ना, जो आपके एक्ट टेंस होते हैं जिनके वॉइस बनते हैं उसको, और मॉडल हाउस से रिलेटेड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन वाले, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पैसिव और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, पैसिव ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको समझना ये है पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे हम लोग बना सकते हैं किसी डब्ल्यू एच क्वेश्चन को। तो आपको मालूम है कि अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें, एक एग्जांपल हम लें और हमने कहा कि आर यू राइटिंग अ लेटर, यह एक सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और आपने यह भी देखा कि सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक्जिलरी वर्ब है, यानी कि यह एक यस नो क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब हम क्या करें कि हम इसको इस तरह से लिख दें कि वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। तो आपने देखा कि अगर हमने इस एक्जिलरी वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में वाई दे दिया तो अब यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन गया, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया है। तो लेकिन इसको बनाने के लिए हमने किया क्या, तो अगर हम इसको नहीं लिखे थे वाई, जब नहीं लिखे थे तो यहां से यहां तक जो था यह एक यस नो क्वेश्चन था। ठीक है ना, जैसे ही वाई लिख दिए तो यह यस नो क्वेश्चन से क्या बन गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब यह है कि अगर यस नो क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिया जाता है तो यही यस नो क्वेश्चन हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, यही बात समझनी है कि अगर हम यहाँ पर वाई नहीं लिखते हैं तो सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक्जिलरी वर्ब, और इसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अगर इतना में रहे तो यह क्या होगा, यस नो क्वेश्चन। लेकिन अगर इसके पहले हम वाई जोड़ दें तो हमने एक्स्ट्रा काम किया क्या है, तो बस इतना ही ना कि इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ा है, और जैसे ही इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिए तो यह अब क्या बन चुका है, यह बन चुका है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इसका मतलब यह होता है कि अगर यस नो क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिया जाए तो यही यस नो क्वेश्चन क्या बन जाता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाता है। बस इतना समझ लिए। अब समझेंगे कि इसका पैसिव तो बनाना हम सीख चुके हैं, पिछले क्लास में हमने पिछले सेशन में देखा था कि यस नो क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसका बनाना सीख चुके हैं। अब इसको अगर हम पैसिव बना ले तो पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, इज ए लेटर बीइंग रिटेन बाय यू, यही ना इसका पैसिव होगा। अब इसके पहले जैसे ही हम यहां पर जोड़ दिए डब्ल्यू एच वर्ड वाई, डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में वाई, तब देखिए तो फिर से डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड को रख देते हैं तो वह डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाएगा। फिर से समझेंगे कि अगर हम वाई ना लिखे तो यह यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाना हमको आता है, इसका पैसिव इस तरह से बनाएंगे। अब इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या किया था, तो सिर्फ एक डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दिए थे तो यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन गया था। तो ठीक उसी तरह से जब यह यस नो क्वेश्चन का पैसिव बना हुआ है और इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव भी तो हो जाएगा ना। तो यही हमको काम करना है, यानी कहने का मतलब कि यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे तो यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाएगा। यह एक बेसिक बात है जो हमने आपको समझाने के लिए बताई, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन स्ट्रक्चर भी बनाकर देखेंगे, लेकिन आपको इतना ही समझना है कि अगर यस नो क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ते हैं तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाएगा। यह पहली बात। यहां से हम आपको दो तीन क्लू बताएंगे, दो तीन तरीके बताएंगे जिससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको पहचान करके उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाएगा। क्या करना है, तो
पर करना क्या है कि यस नो क्वेश्चन आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब दिया गया है तो डब्ल्यू एच वर्ड को हटा देंगे, तो जैसे ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन में से डब्ल्यू एच वर्ड हटाएंगे तो यह यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, और यस नो क्वेश्चन का पैसे बनाना आता है इसका बना लेंगे, और बनाने के बाद डब्ल्यू एच वर्ड जहां पर है उसी को रख देंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह कि आप समझेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड जो होगा वो हमेशा वाक्य के शुरू में होगा, डब्ल्यू एच वर्ड जो होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा वाक्य के शुरू में, तो अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आया है तो इसका जो डब्ल्यू एच वर्ड है चुपचाप इसको यहाँ पर लिख देंगे इसके शुरू में, और तब जाके इसको भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो बाकी जो बचेगा यह यस नो क्वेश्चन, इस यस नो क्वेश्चन का क्या करेंगे पैसिव बना देंगे, और पैसिव बना करके इसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाले को जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव हो गया। तो पहला बात कि यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर डब्ल्यू एच वर्ड उसके पहले रख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव हो जाएगा। दूसरी बात कि डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा वाक्य के शुरू में रहेगा, और साथ ही साथ तीसरी बात कि डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पर सहायक क्रिया का यूज करना पड़ेगा, चाहे वह एक्टिव हो चाहे वह पैसिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीन क्लू हमारे बहुत काम आएंगे, इन्हीं को हमको देखना है, तो आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला क्लू ये है नोट में कि हम कह सकते हैं कि यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देने पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाता है, पहला काम ये। दूसरा दूसरा क्लू बस यही वाला बात है कि डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा वाक्य के आरंभ में रहेगा, ठीक। तीसरा क्लू क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ए भी यानी कि एक्जिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये तीन क्लू है जो आपके डब्ल्यूएच वर्ड डब्ल्यूएच क्वेश्चन को बनाने में आपके हेल्प करेंगे, उनका पैसिव बनाने में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हमने, हमने कहा कि व्हाई हैव यू अब्यूज्ड हिम, यह एक एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। अब इसको हमको बनाना है, तो बनाना है तो क्या करेंगे कि अगर हम देखें कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन में यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में वाई आया है, अगर हम इस वाई को हटा दें तो आप देखें तो यह एक यस नो क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यह यस नो क्वेश्चन हो गया तो इसका पैसिव तो बनाना हमको आता है, इसका पैसिव बनाना आता है तो इधर वाला इधर सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज हो जाएगा। पिछले सेशन में हमने सीखा था हैज ही बीन अब्यूज्ड बाई यू, इसका पैसिव हमने बना लिया यस नो क्वेश्चन का। अब यस नो क्वेश्चन का पैसिव बना लिए तो हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन था, डब्ल्यू एच वर्ड क्या था वाई। अब इसी वाई को चुपचाप यहां पर लिख देंगे तो आप देखिए कि जैसे ही डब्ल्यू एच वर्ड हमने शुरू में लिखा तो यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन गया एक्टिव, और इसी डब्ल्यू एच वर्ड में जब हमने इसको पैसिव बनाने के बाद डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ लिया तो यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन गया। तो यही हमको काम करना है। दूसरा यह काम हमने कर लिया कि यस नो क्वेश्चन का पैसिव बना करके हम लोग क्या करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देते हैं तो यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाता है। दूसरा क्लू क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा वाक्य के आरंभ में रहेगा, आरंभ में है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद एक्जिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ भी हुआ है यहाँ भी हुआ है, तो इसी तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और तब जाके हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
आइए देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल और देखें, हमने कहा कि व्हेन विल यू बाय अ कार, यह एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे पहचाने, डब्ल्यूएच वर्ड आया है तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। अब इसको भूले तो यह यस नो क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन का बनाना आता है तो क्या हो जाएगा, विल ए कार बी बॉट बाय यू, यह हमने क्या कर लिया तो इस यस नो क्वेश्चन का बना लिया। अब यस नो क्वेश्चन का बना लिए हैं तो क्या करना है, यस नो क्वेश्चन बना करके डब्ल्यूएच वर्ड को उसके पहले रख देंगे, डब्ल्यूएच का बन जाएगा। तो यही डब्ल्यूएच वर्ड है जो क्या करेंगे, रख दिए तो इस डब्ल्यूएच क्वेश्चन का बन गया। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है, बस समझना यह है कि कर कह रहे हैं। तो यस नो क्वेश्चन का बनाना हमको आता है, यस नो क्वेश्चन का बनाएंगे और डब्ल्यूएच वर्ड जो दिया रहेगा उसी को चुपचाप जहां पर है वहीं पर उतार देंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा, बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन गया। जैसे अगर एक और एग्जांपल है, हमने कहा कि हाउ वाज ही, हाउ वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यह एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में हाउ दिया है। लेकिन अगर हम हाउ को यहां ढक दें तो आप देख रहे हैं कि यह क्या हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गया। इसका बनाना हमको आता है तो क्रिकेट इधर सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वाज होना चाहिए, वाज क्रिकेट, ठीक है ना। बींग, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, बींग प्लेड बाय हिम, यह बना लिए किसका, यस नो क्वेश्चन का। अब यस नो क्वेश्चन का बना लिए तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिख देंगे तो जहां पर है वहीं पर उतार दिए, हो गया डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसे। तो इसी तरह से तो बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना है कि यस नो क्वेश्चन का पैसे बना करके अगर उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे तो बन जाएगा, या डब्ल्यू एच वर्ड जब भी आएगा तो यह हमेशा वाक्य के शुरू में होगा, या डब्ल्यू एच वर्ड जब भी आएगा तो इसके तुरंत बाद हमको क्या देना है, एक्जिलेटिव वर्ब देना है, ठीक है ना। यही काम हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लें, हमने कहा वेयर कैन वी, वेयर कैन वी वॉच द मूवी, यह हमारा एक एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड को हटाए तो यह यस नो क्वेश्चन हो गया, तो इसका बनाना तो आता है तो क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब है तो यह तो यही रहेगा, उधर का ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो कैन द मूवी, अब यहां पर मॉडल वर्ब है तो क्या दे देंगे, बी, आपको पता है कैन द मूवी बी वॉच्ड बाय अस, यह हो गया। और डब्ल्यू एच वर्ड जो दिया गया है उसी को क्या करना है, चुपचाप जहां पर है वहीं पर लिख देना है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बन गया, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में आपको चाहे व्हेन दिया हो, हाउ दिया हो, वेयर दिया हो, वाई दिया हो, तो इस तरीके के जो भी वर्ड होंगे डब्ल्यू एच वर्ड, और वो जब आएंगे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनेगा। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का बनाना बिल्कुल आसान है, आसान इसलिए है कि करना कुछ नहीं है, बस यस नो क्वेश्चन को बना करके उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड रख देना है, या डब्ल्यू एच हमेशा शुरुआत में आएगा, या डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद क्या होगा, एग्जिलेरी वर्ब रहेगा। और बाकी का पैसिव बनाने का रूल आपको मालूम ही है, बस वही अप्लाई करना है और बना लेना है। तो इस तरीके से आप करिए, और इसके आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और तब जाके हम लोग अगले सेशन में आगे और बढ़ेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने इतना समझा, देखिएगा कि यह जो रूल हम आपको बता रहे हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड को पैसे बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यस नो क्वेश्चन को पैसे बना करके डब्ल्यू एच वर्ड रख देंगे, यह वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि खूब आसानी से बना ले रहे हैं, यह तभी तक काम करता है जब डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में हमको दिया रहे व्हेन, हमको दिया रहे हाउ, हमको दिया रहे व्हाई और हमको दिया रहे व्हेयर। डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में जब ये रहेंगे तभी यह वाला काम हम करेंगे जो अभी आप कर रहे थे, यानी कि इंट्रो क्वेश्चन को बना करके उसके पहले रख देते थे, ठीक
ठीक है ना। लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में आपको दे दिया जाए व्हाट, या आपको दे दिया जाए हु, या आपको दे दिया जाए हुम, तो इस सिचुएशन में यह वाला जो काम कर रहे थे वो काम नहीं कर पाएंगे, उसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। वो भी बहुत आसान है, हम लोग सीख लेंगे अभी, ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको दो बातें समझनी है, फिर से क्लियरली बता रहे हैं, समझना है कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में वेन, हाउ, वाई, वेयर ये सब दिया रहता है, तभी हम ये वाला जो अभी पीछे हम देख रहे थे वो काम करेंगे, यानी कि यस नो क्वेश्चन का बना करके उसके पहले इसको रख देंगे या ये वाक्य के शुरू में आ जाएंगे। लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में वाट दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, हुम दे दिया जाए, तो उस सिचुएशन में ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सभी के सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब बदलता नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। लेकिन ये प्रोनाउन होते हैं, और जब प्रोनाउन होते हैं तो ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। यह सब्जेक्टिव होता है और यह आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और आपको मालूम है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। तो इसीलिए जब व्हाट सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा पैसिव बनाते समय, हु जब आएगा और सब्जेक्ट का काम करेगा तो पैसिव में इसको हुम में बदलना पड़ेगा, जब हुम आएगा तो इसको पैसिव में सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो इनको बदलना पड़ता है, लेकिन इनको बदलना नहीं पड़ता। यही कारण है कि इनको जैसे बनाया जाता है इनको वैसे नहीं बनाया जाता, इनको बनाने का तरीका अलग है, उसको हम लोग खूब आसानी से समझ लेंगे और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसको हम अभी देखेंगे। लेकिन पहले आइए इसको क्लियर कर लेते हैं कि यह जो रूल आपने देखा कि यस नो क्वेश्चन का पैसिव बना करके डब्ल्यू एच वर्ड को उसके पहले रख देंगे तो पैसिव बन जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन का, या किसके साथ लागू होगा, या वेन के साथ, हाउ के साथ, वाई के साथ और वेयर के साथ लागू होगा, ठीक है ना। बाकी इनके साथ अलग तरीके से बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है अभी हम देखेंगे। तो एक नोट लिख लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। नोट में लिखेंगे कि यस्नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर डब्ल्यू एच वर्ड उसके पहले रख देने पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाता है, या तो हम जानते हैं, लेकिन यह कब बनेगा? यह रूल सिर्फ वेन, वाई, वेयर तथा हाउ के साथ लागू होता है। ठीक है ना, व्हाट, हु, हुम का प्रयोग होने पर उन्हें अलग तरीके से पैसिव बनाया जाता है। ठीक है ना, बस इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको आप याद रखेंगे कि यह वाला जो रूल है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बनाना है तो यस नो क्वेश्चन को बना करके डब्ल्यू एच को पहले रख देंगे, यह रूल तभी काम करेगा जब डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में व्हेन, व्हाई, वेयर तथा हाउ दिया गया हो। अगर ये रहेंगे तो इनको अलग तरीके से बनाया जाता है। ठीक है ना, बस ये आपको याद रखना है और उसके बाद हम लोग अभी इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराएंगे
तो अच्छे से चीजें नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए खूब आराम से चीजों को समझना है, क्योंकि वो आपको बनाना है उसको, ठीक है ना। एग्जाम में जब आए तो छूटे नहीं, इसीलिए फास्ट चीजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि हमको जल्दी 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 सारी चीजें सीख जानी है, ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी चीज करनी है तो उसको एक प्रोसेस के जरिए चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस से चलेंगे, आराम से स्लोली सीखेंगे, क्योंकि रेस में जीत हमेशा खरगोश की नहीं कछुए की होती है। जो धीरे धीरे और आराम से सारी चीजें सीखते चलता है वही जीतता है। जल्दी 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 सीखने के चक्कर में अगर चीजें कॉन्सेप्ट आप मिस कर देंगे, नई चीजों को समझ पाएंगे, तो फिर आपके साथ वो गड़बड़ हो जाएगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आराम से पेशेंस के साथ पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, फास्ट ज्यादा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट चीजें पढ़ाई जाएंगी तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें छूटेंगी, और हमारा कोशिश है कि आपको कुछ ना छूटे। हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आपको, जितना हमको आता है, जितना हम जानते हैं, उसमें हम कोशिश करें कि सारी चीजें आपको हम बता दें, और सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें जान जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है कि हाउ डू यू रीड द बुक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज ही अर्निंग मनी। तीसरा क्वेश्चन है When can you purchase a car? ठीक है। चौथा क्वेश्चन है When had he Returned the ball, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है Why did he break the glass, ठीक है। छठा क्वेश्चन है Where will you watch the film? सातवां क्वेश्चन है Why is he beating the dog? ठीक है, चलिए। तो ये सभी के सभी हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, इनको बनाना है, और बनाने का तरीका आपको मालूम है कि देख रहे हैं कि क्या है, हाउ है, हाउ है, वेन, वेन, वाई, वेयर, वाई, ठीक है ना। यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जिनको कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है, बस सिंपल हमको क्या करना है कि यस नो क्वेश्चन का पैसे बनाना है और इनको जोड़ देना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए, तो ये क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है, डब्ल्यूएच वर्ड को हटाएंगे तो अब क्या बन गया, यह यस नो क्वेश्चन बन गया। यस नो क्वेश्चन बनाना आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें क्या लगेगा, इज एम आर, तो आपको मालूम है कि बुक हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो बुक सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लग जाएगा, इज द बुक, इज द बुक, ठीक है। उसके बाद भीतरी रेड बाई यू, ठीक। और अब कुछ नहीं करना है, यही हाउ को जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ इज द बुक रेड बाई यू, बन गया। तो हाउ रहेगा
व्हेन रहेगा, वाई रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है, यस नो क्वेश्चन बनेगा, यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाना है, उसको जोड़ देना है। दूसरा देखा जाए कह रहा कि हाउ इज ही अर्निंग मनी, तो क्या हो जाएगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो बस चुपचाप हाउ जहां पर है वहां पर लिख देंगे, उसके बाद क्या करना है, हाउ को छोड़ देंगे, हाउ बन या बन गया यस नो क्वेश्चन, तो अब क्या बनेगा, मनी, मनी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, हाउ इज मनी, उसके बाद बीइंग अर्नड बाय हिम, बन गया आराम से। आगे देखें तो करके व्हेन कैन यू परचेज अ कार, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर व्हेन को हटाएंगे तो यह क्या बन गया, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन बना, तो यह मॉडल वर्ब है तो कैन हो जाएगा, कैन ए कार सब्जेक्ट बनेगा, बी लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉडल वर्ब है, बी परचेज्ड बाई यू, और तब जाके कुछ नहीं करना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया है उसको क्या करना है, यहां पर लिख देना है, बन गया पैसिव, व्हेन कैन ए कार बी परचेज बाई यू। आगे देखा जाए तो कह रहे हैं व्हेन हैड ही रिटर्न द बॉल, तो आप देख रहे हैं कि क्या है, व्हेन को अगर हटाएंगे तो यह हो गया यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन हो गया तो क्या करेंगे, हैड हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा द बॉल, और आपको मालूम है कि यह परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है, बिन लगा दिए बिन, उसके बाद वी थ्री, तो वी थ्री तो दिया हुआ है, रिटर्न्ड बाय हिम, और उसके बाद जो डब्ल्यू एच वर्ड गया है बच गया, उसको जोड़ देंगे, तो व्हेन था तो यहां पर क्या कर लिए, व्हेन जोड़ लिए, बन गया डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव। आगे कह रहा है कि व्हाई डिड ही ब्रेक द ग्लास, अब यहां पर बनाना है, तो आप देख रहे हैं कि डिड लगा है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट आता है तो क्या लेते हैं, वाज या वर, तो ग्लास सब्जेक्ट बनेगा, तो ग्लास के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज द ग्लास, वाज द ग्लास, उसके बाद बी थ्री, ब्रोकन बाय हिम, और अब आप देखें तो बस क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड यहां पर है, इसको चुपचाप यहां पर एड कर देना है, बन गया। आगे कह रहा है कि वेयर विल यू वॉच द फिल्म, तो क्या करेंगे, तो यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा फिल्म, लेकिन मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब लिख देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, विल द फिल्म, और मॉडल वर्ब में क्या लगाते हैं, बी, तो यहां पर लग जाएगा बी, वॉच का भी थ्री क्या हो जाएगा, वॉच्ड बाई यू हो गया, और हमारा मॉडल क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड वेयर है, यहां पर क्या करेंगे, वेयर को ठीक। आगे करके व्हाई इज ही बीटिंग द डॉग, आप देख रहे हैं कि यह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, सब्जेक्ट हमारा डॉग बनेगा, डॉग के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज, इज द डॉग, कंटिन्यूअस में बीइंग लगाना पड़ेगा, जोड़ देंगे, उसके बाद बीट का क्या हो जाएगा, बीटेन, बीटेन बाय हिम, और इस तरीके से बच गया हमारा डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में वाई, वाई को। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान है, तो अगर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में आपको दिया जाए वाई, वेन, वेयर और हाउ, तो करना कुछ नहीं है, उसको छोड़ेंगे और बाकी जो बचेगा वो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, उसका बनाना हमको आता है, बनाएंगे, और ये जो है चारों के चारों, इनमें से कोई भी एक रहेगा उसको ऐड कर देंगे, हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव बन जाएगा। लेकिन अगर रहे हाउ व्हाट हो जाए, हु हो जाए, हुम हो जाए, तो इसको कैसे बनाएंगे वह भी हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे इसको बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, ठीक है, तो आप इसको लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे, तो आपने देखा कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में हमको दिया जाता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो इनको हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में आपको व्हाट, हु और हुम भी तो दे सकता है, तो उनको कैसे बनाएंगे उन्हीं को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हु क्वेश्चंस, हु क्वेश्चंस, अगर हु
दिया जाए क्वेश्चन के रूप में, अगर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में हु दिया जाए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसानी से समझेंगे, आराम से समझेंगे, बिल्कुल आसान होता है, इसको भी हम लोग आराम से बनाएंगे, देखेंगे। तो जब हु क्वेश्चन दिया जाता है, तो जब हमारा हु आता है, तो हु जो होता है या जैसे ही सेंटेंस में आएगा या सब्जेक्ट का काम करने लगता है, और जब सब्जेक्ट का काम करने लगता है तो आपको मालूम है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको किस में बदलना पड़ता है, ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। और जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हु दिया रहेगा तो यह सेंटेंस के सब्जेक्ट के काम करेगा, और जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो आपको मालूम है कि जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। यानी कि जब हम लोगों को डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हु दिया रहेगा तो उसका पैसिव बनाना होगा, तो हु को किस में बदलना पड़ेगा, हुम में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको आगे कहीं भी दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं कि एक बार जो यहाँ पे आपने पढ़ लिया आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए खूब आराम से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो लिखेंगे कि जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हु का प्रयोग किया जाता है तो वह सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, उसका पैसिव इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे यही सीखना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो एक्टिव फॉर्म क्या होगा, एक्टिव फॉर्म क्या होगा कि हमारा आएगा क्या, हु, क्योंकि हु क्वेश्चन है तो हु ही आएगा। हु के बाद यहां पर एक्सिलरी वर्ब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट होगा तो एक्सिलरी वर्ब रहेगा नहीं रहेगा, और अगर बाकी सब टेंस होंगे तो एक्सिलरी वर्ब रहेगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि या तो एक्सिलरी वर्ब आएगा या सीधे मेन वर्ब आएगा, ठीक है ना, या एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, दोनों बातें हो सकती है। फिर से हम बता रहे हैं कि जब यह सब्जेक्ट का काम करेगा तो हो सकता है कि एक्सिलरी वर्ब आए, ठीक है ना, या सीधे मेन वर्ब आ जाए। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, हो सकता है कि सीधे मेन वर्ब आ जाए या एक्जिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, दोनों आए, ठीक है ना, और तब जाके यहां पर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क। समझिएगा, हमने यहां पर एमवी यानी कि मेन वर्ब ऑब्लिक देकर के एक्जिलरी वर्ब प्लस एमवी इसलिए लिखा है क्योंकि जब यह सब्जेक्ट का काम करता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सीधे इसके बाद मेन वर्ब आएगा, पास्ट इंडिफिनिट में सीधे मेन वर्ब आएगा, क्योंकि उनमें तो एक्जिलरी वर्ब होता नहीं है, लेकिन यही दूसरे टेंस में रहेगा तो एक्जिलरी वर्ब जरूर आएगा, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे हु कॉल्स यू, तो हु कॉल्स यू जब हमने कहा कि हु कॉल्स यू, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हु दिया है, लेकिन क्या एक्जिलरी वर्ब आया है, नहीं आया है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में पास्ट इंडिफिनिट में नहीं रहेगा, बाकी सब में एक्जिलरी वर्ब रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों चीजें लिखी है। ये हो गया हमारा एक्टिव फॉर्म, अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में इसको दो तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है, समझेंगे कैसे। पहला तरीका क्या है,
कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। और आपको यह भी मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज करना पड़ता है, तो हु है यह किस में बदल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो हुम होगा। और हुम जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के पहले ही ना बाई का यूज करते हैं, यानी कि पहले क्या करना होगा, बाई और तब जाके हुम कर दिए, बाई हुम। अब डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, इसके बाद हमको एक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, पैसिव में एक्सिलरी वर्ब कंपलसरी है। अब आप देखिए, तो बाई हुम हमने कर दिया। अब समझेंगे कि आपको बताया गया है कि अगर हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है तो बीइंग लगाना पड़ता है, परफेक्ट टेंस में है तो बीन लगाना पड़ता है, मॉडल वर्ब में है तो बी लगाना पड़ता है, अगर इन तीनों को छोड़कर के बाकी किसी में है तो कुछ नहीं लगाना पड़ता, बाकी जो रूल है वो हम जानते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस यानी कि जो इसमें हु आया है अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में रहा तो फिर हमको क्या देना पड़ेगा, बीइंग देना पड़ेगा। अगर यह परफेक्ट टेंस में रहा तो क्या देना पड़ेगा, बीन देना पड़ेगा। अगर मॉडल वर्ब में रहा तो क्या देना पड़ेगा, बी देना पड़ेगा। और तब जाके क्या होगा, भी थ्री और बाकी कुछ अगर आएगा तो आएगा। ठीक, हमने ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, इसको समझिएगा, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि कंटिन्यूअस रहेगा तो बीइंग लगाएंगे, परफेक्ट रहे तो बीइंग लगाएंगे, मॉडल वर्ब रहेगा तो बी लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए हमने ब्रैकेट में दिया है कि अगर रहा ऐसा कंडीशन तो लगाया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाया जाएगा, बाकी चीजें हम लोग कर देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका, आपको ये मालूम है कि अगर किसी डब्ल्यू एच वर्ड के पहले कोई प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन को हटा करके हम लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आप देखिए, तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर कोई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह किस केस में रहता है, तो वह ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। यह बात आपको पता हो, आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन बाई आया है, यही कारण है कि इसके बाद जब प्रोनाउन के रूप में आपने यूज किया तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन आपको मालूम है कि इस प्रीपोजिशन को हटा करके हम लास्ट में कर सकते हैं, तो जब लास्ट में करेंगे तो जैसे ही प्रीपोजिशन यहां से हटेगा तो यह तो प्रीपोजिशन हट गया, तो जैसे ही प्रीपोजिशन हटा तो यह फिर अपने किस केस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो दूसरा तरीका यह है, बस यही है, कुछ अंतर नहीं है, बस यह है कि प्रीपोजिशन को हटा करके उधर करेंगे और जैसे ही यह वहां से उधर जाएगा अंत में जाएगा तो या फिर किसमें हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो इसको दूसरा तरीका ऐसे ही बना सकते हैं कि हु प्लस एक्जिलरी वर्ब प्लस अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो बीइंग, परफेक्ट रहेगा तो बीन और मॉडल वर्ब रहा तो बी और तब जाके भी थ्री और उसके बाद बाई। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, अंतर बस इतना है कि अगर बाई शुरू में तो हुम और बाई को अगर लास्ट में कर दिए तो क्या करना पड़ेगा, हु करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल समझेंगे, हमने कहा कि हु कॉल्स यू, खूब आराम से समझेंगे कि कैसे हम रख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हु है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसीलिए सीधे मेन वर्ब आया है वी फाइव के रूप में और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। अब आप देखें तो हमको सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी, गड़बड़ हो रहा है, कुछ छूट रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेंगे, रुक जाइए। सब्जेक्ट छूट गया है, ठीक है ना, आइए देखते हैं। अगर इस तरह से रहेगा तो पैसिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट छूट गया था इसके लिए सॉरी है। ठीक है, क्या करेंगे कि पहले बाई ले लेंगे, बाई को क्या करेंगे, हुम कर देंगे, उसके बाद एक्जिलरी वर्ब ले लेंगे। अब आप देखिए, तो यह सब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी तो है ना, वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा जो कि छूट रहा था। तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर एक्जिलरी वर्ब के बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, बना देंगे एसपी, और एसपी के बाद अगर कंटिन्यूअस रहा तो किसको, बीइंग कर देंगे, परफेक्ट रहा तो बीन कर देंगे और मॉडल वर्ब रहा तो बी कर देंगे और तब जाके आपका क्या होगा, भी थ्री, बाकी जो चीजें आएंगी वो आएंगी। ठीक, उसी तरह से इसको दूसरा करना है कि यहाँ पर बाई को उधर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, हु,
उसके बाद एक्जिलरी वर्ब, उसके बाद एसपी, एसपी के बाद अगर कंटिन्यूअस रहा तो बीइंग, परफेक्ट रहा तो बीन, और मॉडल वर्ब रहा तो बी, और तब जाके बी थ्री, और तब जाके इधर, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये ऑब्जेक्ट ध्यान में नहीं था इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब आराम से बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था, ठीक है ना। आप इनका इनका यूज कब करेंगे आपको क्लियर होगा कि कंटिन्यूअस में रहेगा तो इसका परफेक्ट रहेगा, इनका मॉडल वर्ब रहेगा तो ये, अगर नहीं रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। जैसे आप देखिए, अब एग्जांपल देखेंगे, हमने कहा कि हु कॉल्स यू, समझ में आ रहा है। अब आप देखें तो इसको बनाना है तो हमने क्या किया, पहले क्या करेंगे, तो पहला तरीका इसका ये है कि बाई हुम कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि यह किस टेंस में है, तो यह टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, और यू ऑब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग एक्जिलरी वर्ब लेना है। यहां पर एक्जिलरी वर्ब देंगे तो क्या हो जाएगा, आर यू, एसपी यही ना बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट यही, ऑब्जेक्ट यही है तो ये बन गया बाय हुम आर यू। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बींग नहीं लगेगा, बीन नहीं लगेगा, बी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सीधे भी थ्री, तो क्या हो जाएगा कॉल्ड, बना लिए। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका यह है कि बाई को हम उधर कर दें, बाई को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु आर यू कॉल्ड बाई, बस यही ना काम किए थे, बस यही हो गया, बस कुछ नहीं करना है, इस बाई को उधर हटा करके करेंगे, स्ट्रक्चर वही है तो बाई उधर हटेगा तो यह हुम किसमें बदल जाएगा, हुम बदल जाएगा, बस यही काम करना है। आप इसको नोट करेंगे इसको अच्छे से, यहाँ पर वो उस समय क्या हो रहा था कि ये ऑब्जेक्ट जो था वो ध्यान में नहीं आया इसीलिए छूट जा रहा था, लेकिन यही ऑब्जेक्ट एसपी बनेगा, सब्जेक्ट और पैसिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है और यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया था, ठीक है ना। तो इसको बना लेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि इनका यूज कब करना है, तो कंटिन्यूअस रहेगा तब इसका यूज, परफेक्ट रहेगा तो बीन का, और मॉडल वर्ब रहेगा तो बी का। अगर ऐसा नहीं रहता है तो इनका यूज नहीं करेंगे, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना। अब इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर एग्जांपल हमने कहा, लिखा जाए कि हु इट्स राइस, ठीक है, हु टीचेज यू, तीसरा है हु इज बाइंग ए कार, Who was disturbing you? Who had taught you? Who should रीड द गीता, ठीक है। ये हमारे छह एग्जाम्पल्स है जिसको हम दोनों तरीके से बनाएंगे, एक को पहले तरीके से, फिर दूसरे को दूसरे तरीके से, फिर पहले तरीके से, फिर दूसरे तरीके से, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, तो आप देखें तो ये क्या है, हु इट्स राइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हु है, उसके बाद सीधे मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको बनाना है तो क्या कर सकते हैं, तो हु सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, हुम, और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट के पहले ही तो बाई लगाया जाता है तो क्या हो जाएगा, बाई हुम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि राइस ऑब्जेक्ट है, यही ना सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज,
बाय हुम इज राइस सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद भी थ्री, तो इट का भी थ्री क्या हो जाएगा, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल आसान है, बस कुछ नहीं करना है, चीजों को समझ जाना है। अगला क्वेश्चन है हु टीच यू, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही सब्जेक्ट बनेगा, तो पहले यह देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि बाई को हम लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु में बदल जाएगा, तो क्या जाएगा हु, उसके बाद आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू बनेगा, तो क्या हो जाएगा हु आर यू, और टीच का भी थ्री क्या हो जाएगा टॉट, बाई तो लास्ट में कर देंगे दूसरा तरीका से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हु इज बाइंग ए कार, कौन कार खरीद रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस होता है, इजीली और मेन वर्ब दोनों आया है, ऑब्जेक्ट, तो क्या कर देंगे बाई हुम, क्योंकि हु सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। अब इसके बाद इजीली वर्ब लेना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कार सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा इज ए कार, और हमने आपको बताया है कि कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में बीइंग लगाना पड़ेगा, तो कहां लगाएंगे एसपी के बाद बीइंग बट, कर रही है? बिल्कुल आसान है, बाय हुम इज ए कार बीइंग बट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज डिस्टर्बिंग यू, ठीक है, तो इसको बना लेंगे, तो इसको बनाएंगे, तो इसको दूसरे तरीके से बनाए, तो दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बाई को उधर भेजेंगे, बाई को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हु हो जाएगा हु। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाज है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज डिस्टर्बिंग, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज लगेगा या वर लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट कौन बनेगा यू, तो यू लगेगा, तो क्या हो जाएगा वर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हु वर यू, और आपको मालूम है कि कंटिन्यूअस टेंस है तो अपने से कुछ ऐड करना है ना, और ऐड क्या करना है बीइंग, उसके बाद भी थ्री बॉट बाय हु आर यू, सॉरी सॉरी यहां पे डिस्टर्ब में है, हु आर यू बीइंग डिस्टर्ब बाय, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि हु हैड टॉट यू, हु हैड टॉट यू, तो हु हैड टॉट यू तो क्या है सब्जेक्ट, हैड एक्चुअली वर्ब, मेन वर्ब यू ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है यहां पर बाय हुम कर देंगे, कर दिए, उसके बाद एक्जिलरी वर्ब लेना है, तो एक्जिलरी वर्ब क्या है हैड है, हैड तो सबके साथ होता है, तो हैड सब्जेक्ट कौन बनेगा यू बनेगा, ठीक है ना, बन गया। लेकिन यह परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में क्या जोड़ना है, तो बीन जोड़ना है, बीन जोड़ देंगे बीन, और उसके बाद भी थ्री, तो यहाँ पर टॉट दिया हुआ है, तो भी थ्री तो हमको यही ना चाहिए, तो बाय हुम हैड यू बीन टॉट, ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु शुड रीड द गीता, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया, और मॉडल वर्ब आ गया तो हम इसको अगर बनाए तो दूसरे तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा मॉडल, बाई को उधर भेजेंगे तो यह हु हो जाएगा, हु के बाद यहाँ पर देना है शुड, शुड मॉडल वर्ब है सबके साथ यही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कौन बनेगा गीता, तो हु शुड द गीता, अब आप देखें तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में क्या देना रहता है बी, तो सब्जेक्ट के बाद दे देंगे हु शुड द गीता बी रेड बाई, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान है ना, बस चीजों को समझ जाना है कि करना क्या है, किसके बाद क्या करना है, और इस तरह से हम लोग आराम से बना लेंगे, क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो हु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हुम जो आएगा उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं होम क्वेश्चंस। होम क्वेश्चंस, ठीक है ना, होम क्वेश्चंस क्या है, तो होम जब काम करेगा तो होम तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को किसमें बदलना रहता है सब्जेक्ट में, तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका आसान होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, तो एक्टिव फॉर्म क्या होगा कि पहले ले लेंगे होम, और हुम के बाद आपको मालूम है कि क्या आएगा एक्जिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, एक्जिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा, तो एक्जिलरी वर्ब के बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब, और उसके बाद
सॉरी, हुम तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद रहेगा मेन वर्ब, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक्टिव रहेगा, यानी कि पहले हुम, फिर एक्जिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अलग से रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब, आगे भी जो चीजें होंगी वो होंगी। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलना है तो पैसिव फॉर्म बिल्कुल आसान है। क्या करना है, तो आपको मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है, तो यह ऑब्जेक्ट है तो किसमें बदल जाएगा, सब्जेक्ट में, और यह हुम है ऑब्जेक्टिव, तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, हु को बदल देंगे, हुम को बदल देंगे हुम में। उसके बाद यहाँ पर क्या दे देंगे, एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब के बाद अगर यह सेंटेंस कंटिन्यूअस में रहा तो जोड़ना क्या है, बीइंग। अगर मॉडल वर्ब में पैसिव में रहा, परफेक्ट में रहा तो बीन, और मॉडल वर्ब में रहा तो बी, अगर नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में दे दिए। और इसके बाद से क्या करना है, मेन वर्ब, मेन वर्ब जो कि किस में रहेगा, V3 में रहेगा, और तब जाके यह तो बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद यह जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा बाई प्लस ओपी, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा ना जी, जैसे देखे तो Whom do you call? ठीक है, तो देखिए तो whom auxiliary verb, subject main verb आ गया, या present indefinite tense में है तो बना लेंगे, तो इसको बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, या बन जाएगा whom में who, अब आप देखें तो present indefinite tense में है तो who के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, is, who is called by, और यह subject था तो object में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आसान है, ठीक है। इसी तरह से कहें कि whom was he calling, whom was he calling, तो आप देख रहे हैं कि किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ऑब्जेक्ट, एक्जिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तो इसको बना लेंगे, तो यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, who के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, was, यह कंटिन्यूअस टेंस में है, कंटिन्यूअस टेंस में है तो क्या लगाएंगे, बींग, हु वाज बींग कॉल्ड बाय, और यह सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्टिव बेस क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देखें, तो हु, या अगर हम कहें कि हुम हैज सीता अब्यूज्ड, Whom has Sita abused, या परफेक्ट टेंस में है तो आपको मालूम है कि whom जो है वो किस में बदलेगा, तो who हो जाएगा, who के अकॉर्डिंग has हो जाएगा, परफेक्ट टेंस में है तो क्या लगाना पड़ेगा, been, लगा देंगे been, abused by, सब्जेक्ट हमारा Sita है, बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। अगर इसी तरह से हम कहें चौथा कि whom can You beat, तब देख रहे हैं कि whom auxiliary verb, subject, main verb, यह मॉडल वर्ब आया है तो इसको बदलना है, तो whom किसमें बदल जाएगा, who, इसके बाद हमको auxiliary verb लेना है can, है ना, इसी पर रख रहे हैं, ठीक है, who, उसके बाद auxiliary verb, और चूंकि आप देख रहे हैं कि क्या है, मॉडल वर्ब आया है, मॉडल वर्ब आया है, इन तीनों में क्या लगेगा, be लग जाएगा, हो जाएगा be, V3, beaten by you, ठीक है ना। अगर यही हम कहें कि whom should the teacher teach, एक एग्जांपल हो गया, तो अब देख रहे हैं कि whom auxiliary verb, उसके बाद से सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो इसको बदलना है, तो आप बदलेंगे तो whom किसमें बदल जाएगा, whom में, तो क्या हो जाएगा, who, उसके बाद auxiliary verb, auxiliary verb should है, ले लेंगे should, उसके बाद क्या करना है, तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो इनमें से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो क्या लगा देंगे, be, उसके बाद क्या करना है, V3, V3 क्या हो जाएगा, teach का, taught, उसके बाद by, और by के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, क्या होगा, टीचर, द टीचर। तो आप देखें कि इस तरीके से हम लोग हु का और हुम का और वाट का अलग तरीके से बनाते हैं, तो हमने ये हु और हुम देख लिया है, बच गया है वाट,
बात को हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, और अगले सेशन में जब हम आएंगे तो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे। तो अगले सेशन में हम वाट का जो बच गया है उसको देख लेंगे, और उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। आज यहीं तक, इससे आगे हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे लेकिन एकदम अच्छे से चलिए और अच्छे से सारी चीजें क्लियर करते चलिए, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते, नहीं चीजें माइंड में रह पाती, कुछ इधर से उधर ध्यान हो जाता है, लेकिन आप उसको मैनेज करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि सारी चीजें हम समझें, ठीक है। समझने के बाद उसको नोट जरूर करेंगे, नोट बनाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको नोट्स बनाइए और अच्छे से करिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के आपके पास अगर कोई बुक है तो उसको क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग, वाट से रिलेटेड जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक्टिव और पैसिव वो देखेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।